नमस्कार आदाब, मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और हम सब उसमें कहीं ना कहीं एक नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में या बहुत सारे लोग राजनेता के रूप में, ब्यूरोक्रेट के रूप में, सब पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अगर पत्रकारों या मीडिया के बारे में देखिए तो मीडिया में कुछ ही सवाल उठ रहे हैं और दिन भर उठते रहते हैं। सुबह से शुरू होता है, रात तक उठता है। कभी पाकिस्तान का मुद्दा हो जाता है, कभी किसी नेता के बयान का मुद्दा हो जाता है, कभी पता चलता है कि कोई सिनेमा से जुड़ी कोई हस्ती अगर चुनाव लड़ रही है या लड़ रहा है उसके बारे में कहानी चलने लगती है, उसकी फिल्मों के क्लिप्स दिखाए जाने लगते हैं। लेकिन जो इस चुनाव के बहुत सारे सवाल हैं जिन पर वाकई बहस करनी चाहिए, मीडिया को, लोगों को बहस करनी चाहिए ताकि अपनी डेमोक्रेसी को नई दिशा या बेहतर दिशा दे सकें, अगर नई न तो, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं है। अब जैसे आप देखिए जिस तरह से अपने देश में चुनाव हो रहा है, इतने वर्षों की डेमोक्रेसी के बाद क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा दंगल है, एक ऐसा सियासी दंगल है जो बराबरी के अखाड़े में हो रहा हो? क्या आपको लगता है कि जहां दंगल हो रहा है चुनाव का, क्या वो अखाड़ा वाकई इस तरह का है कि समतल है, सबके लिए बराबर है, या झुका हुआ है, पड़ रहा, कहीं ऊंची जमीन है, कहीं नीची जमीन है? तो जो रेफरी है, जो अखाड़े को की एम्पायरिंग जिसको करनी है, क्या कहीं वहां भी कोई समस्या है? क्यों नहीं नजर आ रही है ये सारी चीजें और मीडिया इन पर क्यों नहीं नजर डाल रहा है, पूरे देश को क्यों नहीं बता रहा है? आज हम इन्हीं कुछ सवालों पर बात करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता। विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, इलेक्शन ऑन द रोड्स। और ये जो किताब है, ये रोड शोज वगैरह बहुत सारे जो पहलू हैं अपने चुनाव के उसको सामने लाती है। हमारे साथ शीतल सिंह हैं। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला से लेकर के और इंडिया टुडे तमाम अखबारों में काम कर चुके हैं और अभी सत्य हिंदी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत शीतल हम आपसे करते हैं। यही आपसे समझना चाहते हैं कि हमारी मीडिया में अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं उठ रहे हैं इस चुनाव को लेकर। अभी हाल में वीवीपैट को लेकर एक बहुत दिलचस्प बयान आया है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो 20 या 25 पार्टियों की जो दलील है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करती है कि वीवीपैट 50% काउंट कराए जाएं। आखिर वीवीपैट लगा ही क्यों है? इतना भारी पैसा इस देश के टैक्स पेयर्स का अगर खर्च हुआ है और अपोजिशन तो 100% की भी मांग नहीं कर रहा है, सिर्फ 50% की मांग कर रहा है। लेकिन आप देखिए इस प्रश्न पर आपने कभी टेलीविज़न पर कोई डिबेट देखी है? कभी आपने अखबारों में, खासकर अंग्रेजी के एडिटोरियल या आर्टिकल तो देखे होंगे, लेकिन हिंदी में क्या देखी है? हिंदी में कहीं कोई ऐसा पहलू, ऐसा डिबेट उठा है? तो ये क्या बताता है हमारे मीडिया के बारे में? हिंदी में उल्टी डिबेट होती है जब आप इस मशीनरी पर, जिसके जरिए आजकल चुनाव होता है, कंप्यूटर मशीनरी है, इस पे कोई सवाल उठता है तो मीडिया चुनाव आयोग को चुनाव आयोग से पहले डिफेंड करने की स्टोरीज लेके आ जाता है। वो विपक्ष को कोसने लगता है कि ये जो है ऐसे सवाल उठा रहे हैं चूँकि जीत नहीं पा रहे हैं। मतलब लोकतंत्र की शुचिता के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उसकी जगह वो दूसरी बातें करने लगते हैं। वीवीपैट का जो मामला है, करीब मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि पिछले 3 वर्षों से खुद चुनाव आयोग ये तय करने में लगा हुआ है कि वीवीपैट के कितने फीसद हिस्से को मैंडेटरी तौर पर गिना जाए। अब 3 साल हो गए, अभी तक आपने ये तय नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में वो बात बहस हो रही है जो दूसरे लोगों ने मांगा है। आपने जो संख्या बताई कि विपक्षी दलों का लगभग एक स्वर है सबका ही इसमें, वो भी जो इवन NDA के साथ है उनमें से भी तमाम लोगों ने कहा है। तो भाई आपका क्या रुख है, आप इसके जवाब 50% के जवाब में आपका क्या कहना है? लोगों को अगर शंका है, उन्हीं का चुनाव है, अपने चुनाव को फेयर करने के लिए उपलब्ध साधनों में वो एक संख्या को गिनने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप 25% करना चाहते हैं, 30% करना चाहते हैं, उसकी रीजनिंग बताइए। कहते हैं एक, हाँ एक केवल हम कराएंगे। हाँ नहीं, वो एक प्रतिनिधित्व वाला करना चाहते हैं कि हम ऐसे ही कर देंगे कहीं से एक कोई,
अटेंडम और फिर उससे मान लेंगे कि सब ठीक हुआ, जैसा वो अभी कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा ही वो कर रहे हैं। हम इस पहलू पर जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है या जो निर्णय आना है, हम उस पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम उसको न तो उस प्रक्रिया को प्रभावित करने का हमारा कोई इरादा है, लेकिन एक बहस के नाते हम आपसे भी समझना चाहते हैं, आप एडवोकेट हैं, कि आखिर इस देश की जनता, इस देश की पोलिटिकल पार्टीज, एक पार्टी को छोड़कर लगभग सारी पार्टियाँ अगर चाहती हैं तो इलेक्शन कमीशन में तीन लोग बैठ कर कैसे ये कह सकते हैं कि हम इस दलील को सिरे से खारिज करते हैं या बिल्कुल नहीं मानना चाहते। ये क्या आपको लगता है, इसका आधार क्या है? नहीं देखिए, चुनाव आयोग ने इस बारे में एक विस्तृत अपना शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, और मोटे तौर पे अगर ये मांग सही भी हो, पर मैं इसमें थोड़ा सा दो अड़चने पाता हूँ। पहली अड़चन ये पाता हूँ कि तकनीकी तौर पर इतनी जल्दी ये क्या करना संभव होगा, क्योंकि अगर इसमें बार कोड लग जाए तो बारकोड लगने के बाद उसकी काउंटिंग में जो 4-5 दिन लगने की बात की जा रही है वो नहीं लगेगा। तो अगर हम इसको ईवीएम मशीन की अगर इवोल्यूशन को देखें तो 1982 से होते होते 1998-99 में जो शुरू हुई और इतने साल लग गए, तब जा कर के 2019 में पहली बार पूरा 100% ईवीएम हो रहा है। अब अगर हम वीवीपैट का विस्तार करना चाहते हैं काउंटिंग के लिए, और अगर हम बहुत ज़्यादा काउंटिंग करेंगे तो फिर कन्वेंशनल जो बैलेट पेपर है और ईवीएम का कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ईवीएम मशीन क्यों लगाई जाए, हम बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिरी समय में आकर के वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, उन्हें पता है 2019 का चुनाव पहले आने वाला है, तो 2013 के बाद जब कंपलसरी हो गया था कि पूरे सब जगह पर वीवीपैट होगा तो काउंटिंग के लिए भी पहले सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। आखिरी समय में विराग गुप्ता जी, आपको याद होगा कि अपोजिशन ने बहुत पहले केराना का जब बाई इलेक्शन हुआ था तब, फूलपुर का जब हुआ था तब, उस वक्त भी वीवीपैट को कम से कम कहा था कि इसको 50% काउंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दो पिटीशन आई हैं, एक पिटीशन पहले आई है जिसमें कि उन्होंने 30% की मांग की है, और उसमें जो है तमाम सारे नेता विपक्ष के नेता, लेकिन हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते विराग, हम ये समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि एक तो इस पर मीडिया में कोई बहस नहीं है, दूसरी बात यह है कि काउंट करने न करने के लिए जो दलील दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो ये कहना है कि इसमें वक्त लगेगा। क्या भारत के चुनाव ईवीएम के साथ इतना जो वक्त लग रहा है, दुनिया के किस मुल्क में इतना वक्त लगता है? आप अमेरिका को देख लीजिए जहां बैलेट से चुनाव होता है, वहां भी इतना वक्त नहीं लगता, बल्कि इसका तो आधा क्या 1/10 भी नहीं लगता। तो आप इतनी लंबी चुनाव, इसी बार देखिए 7 चरणों का चुनाव है, किस बात के लिए इतना विलंब? बिल्कुल आपसे मैं यहां पर पूर्णतः सहमत हूं कि जो इतनी लंबी चुनावी प्रक्रिया और है, आप 5 दिन का क्यों नहीं, और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता तो पूरी तार तार हो जाती है। जब आप 7 चरणों का चुनाव करते हैं तो एक चरण का चुनाव बंद होता है, दूसरी जगहों पर आचार संहिता लागू हो जाती है, पर अखिल भारतीय स्तर पर जब सोशल मीडिया का पूरा विस्तार हो गया है तो आचार संहिता नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पक्ष विपक्ष से उठकर पूरी चुनावी प्रक्रिया में एक नई बहस जरूरी है, और वह बहस ये है कि इलेक्शन कमीशन जो 20वीं शताब्दी के माइंडसेट से काम कर रहा है, अब 21वीं शताब्दी में क्या उनका जो पूरा एक जो तंत्र है वो बेमानी हो गया है क्या? अगर आप इसको इस तरह से समझें, एक रोड है जिस रोड में उन्होंने अपना बैरियर लगा रखा है और वो रोड बंद हो गई है, अब लोगों ने नई रोड बना लिया है और उस नई रोड में उनका कोई किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं है, ये महत्वपूर्ण। मैं विराग आऊंगा आपसे। एक और पहलू जो बार बार उठाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा मीडिया में नहीं है, कि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था और आपको अच्छी तरह याद होगा, डायरेक्टिव था सारे अपोजिशन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि सिक्योरिटी के मामले, जो सुरक्षा के मामले हैं, जो हमारी आर्मी के मामले हैं, इनको इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनाया जाए। आपको याद होगा पुलवामा आतंकी घटना के बाद, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके ठीक 24 घंटे पहले भी और इसके भी पहले, लगातार जो सत्ताधारी दल है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू होम मिनिस्टर, फ्रॉम पार्टी प्रेसिडेंट टू ए लोकल MLA, सभी लोग इस वक्त जो है पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, सिक्योरिटी का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी कल की बात है, जब रविवार को जब एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा था, वहाँ भी ये बातें प्रमुखता से उठाई गई और बार बार उठाई गई। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, इसके अलावा
राजनाथ सिंह जी ने उठाया, अमित शाह जी ने उठाया, योगी जी तो रोजाना ही बालाकोट का नाम लेते हैं, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं, अभी उन्होंने गाजियाबाद की एक सभा की जहां काफ़ी मैदान खाली था, वहां उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस के लोग जो विपक्षी पार्टी है वो आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं और पीएम देते हैं उनको गोली। अब बिरयानी वाला जो प्रकरण है आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो एक फेक खबर थी, वो एक फेक बयान था, और जिस वकील ने दिया था उसने उस बात का खंडन भी कर दिया, लेकिन ये बिरयानी योगी जी की कांग्रेस के लिए सर्वदा सर्वदा के लिए उपलब्ध है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव का वायलेशन नहीं है, उल्लंघन नहीं है? अगर हैं तो इन पर क्यों नहीं चर्चा है मीडिया में हमारे? भाई इलेक्शन कमीशन ने तो इतने बड़े मामले से एब्जॉल्व कर दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान एक ऐसी चीज़ को जिसको एक साइंटिफिक बॉडी डेवलप करती है और उसके परीक्षण पर बाकायदा देश के नाम संदेश प्रसारित किया, सारे टेलीविज़न चैनलों ने, आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने, सब ने उसको दिखाया। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर आदमी होशियार है, एक होशियार आदमी चोरी करेगा तो अपने बचाने के रास्ते कर लेगा, उन्होंने उसमें YouTube को इस्तेमाल कर लिया और चुनाव आयोग पर लिखित शिकायत हुई। चुनाव आयोग ने एक जांच कमेटी बनाई अफसरों की, अपने ही अधीन अफसरों की, और उन्होंने सिर्फ जवाब ले लिए AIR से और दूरदर्शन से और उससे अपने आप को संतुष्ट कर लिया। तो जब चुनाव आयोग इस तरह से उनको एब्जॉल्व करेगा, ये तो मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले सहारनपुर की एक सभा में वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी को, वहाँ जो मशहूर आतंकवादी उसका रिश्तेदार बताया, योगी जी ने खुलेआम मंच से, लेकिन कहीं कोई नोटिस तक भी नहीं जा रहा है। अच्छा ऐसा नहीं, यही चुनाव आयोग अभी हासन में, इसने कल ही हासन में देवगौड़ा का पोता लड़ रहा है, वहाँ BJP के प्रत्याशी की शिकायत पर वहाँ चुनाव अधिकारी को 2 मिनट में बदल दिया गया। तो एक ही चुनाव आयोग 2 पार्टियों के मामले में, दो या विपक्ष और सत्ता पक्ष के मामले में अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है, और मतलब लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है ये स्वायत्त संस्था है। और बक्सर में क्या हुआ, वहाँ अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने SDM को बुला के कच्ची गालियाँ दी, इतना फजीहत किया, चुनौती दी कि बंद करके दिखाओ, आज तक पता नहीं चला कि उस पर चुनाव आयोग को कुछ करना है या नहीं करना है, और उस पर कोई चुनमुन नहीं है, कोई बात नहीं है, अब मीडिया में भी कोई बात नहीं है। विराग, अभी हमने देखा कि कई जगह आप कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का है उसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप लेख लिखते रहते हैं, कॉलम्स लिखते रहते हैं इस पर। इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसमें एक प्रावधान बहुत साफ है कि सांप्रदायिक पोलराइजेशन के इरादे से या किसी भी तरह से कास्ट, लैंग्वेज, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इनको आप, इन पर ध्रुवीकरण के लिए आप कोई अगर विद्वेष प्रेरित बयान देते हैं चुनाव के दौरान तो कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने देश में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो लैंडमार्क है, वो है बाला साहब ठाकरे का। बाल ठाकरे को 1999 में इलेक्शन कमीशन ने उनको चुनाव में भाग लेने, चुनाव में प्रत्याशी बनने, यहाँ तक कि वोटिंग राइट भी उनका छीन लिया था, क्योंकि उन्होंने विले पार्ले की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन में सांप्रदायिक विद्वेष से प्रेरित भाषण दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये मामला उस समय के राष्ट्रपति तक भी गया, लेकिन कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने, और इतने महाबली नेता को जिसके एक इशारे पर बम्बई बंद हो जाता था, उन दिनों बम्बई कहलाता था संभवतः, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन डेली, हर दिन, हर घंटे सांप्रदायिक विद्वेष से प्रेरित बयानबाजी हो रही है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, संसाधन और प्रचार, इन दोनों मामलों में कन्वेंशनली बड़ा ही सख्त रुख रहा है। इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था और उन्होंने अपने पूर्व अधिकारी को एज ए एजेंट जो किया, और उसके बाद राजनारायण जी की याचिका थी और उनका चुनाव निरस्त हो गया, इसका मतलब सत्ता और सरकार के बीच में, एक सरकार और दलों के बीच में एक फ़र्क था। धीरे धीरे दल, देश और जो सरकारें हैं उन सबका जो फ़र्क खत्म होता जा रहा है, और चुनावों के समय में भी जो फ़र्क खत्म होता जा रहा है, वो चुनाव आयोग उसमें जो चुप्पी रहती है, जो मौन रहता है, वो निराशाजनक है। और एक और जो नया पहलू आया है वो है सोशल मीडिया। आज आप देखेंगे, आज की न्यूज़ है कि दिल्ली में सोशल मीडिया के ही बारे में सारे अप्रूवल मांगे गए हैं, कोई भी कन्वेंशनल प्रचार नहीं किया जा रहा है।
तो ये जो सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया में देखिए इलेक्शन कमीशन का कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ तो उन्होंने 2013 में गाइडलाइन इशू कर दिया, नियम बना दिया, और उसके बाद कुछ महीने पहले उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा गवर्नमेंट को कि सेक्शन 126 में परिवर्तन कर दिया जाए जिसमें हमारा अधिकार हो जाए। आप एक तरफ बोलते हैं हमारे पास अधिकार नहीं है, तो फेक न्यूज़ हो, पेड न्यूज़ हो, गलत न्यूज़ हो, या इस तरीके के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस हो, आप कभी बोलते हो हमारे पास अधिकार नहीं है और कभी बोलते हैं हमारे पास पूरे अधिकार हैं। आर्टिकल 324 के अधिकारों में ही टीएन शेषन ने कितना बड़ा एक उन्होंने पूरे चुनावों में शक्ति का एक नया मापदंड स्थापित किया था। तो मुझे लग रहा है कि चुनिंदा किस्म से आप अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और बाकी नहीं करते हैं, इससे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होता है। आपको लगता है कि हमारे आर्टिकल 324 का आपने जिक्र किया जो भारत के संविधान की है जिसके तहत भारत का निर्वाचन आयोग काम करता है, आपको क्या लगता है ऐसे दौर में कि जो हालात आज हो गए हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का, पॉलिटिक्स का, मीडिया का, सबके स्तर में एक खास ढंग का आपको गिरावट दिखाई देती है, क्या ऐसे दौर में क्या ये विचार नहीं किया जाना चाहिए कि अगर CBI जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बहुत सारी हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हैं, या अगर हैं भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है उसके चीफ का, बड़े पदों पर आसीन लोगों का, तो उसमें एक तरह का पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन होता है, या कम से कम जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ सरकार नियुक्त करती है सारे इसके प्रतिनिधियों को, तीनों कमिश्नर्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये जो पहलू आपको लगता है क्या यहाँ कोई खोट है, क्योंकि इसमें न तो अपोजिशन कहीं इन्वॉल्व है, न तो इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है, जबकि CBI में ये तीनों इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, जुडिशरी इन्वॉल्व है, अपोजिशन इन्वॉल्व है, क्या आपको लगता है? निश्चित तौर पर बिल्कुल 100% संशोधन की जरूरत है, इसके लिए भी एक स्पेशल पैनल बनना चाहिए और उस पैनल के द्वारा ही निष्पक्ष तरीके से अपॉइंटमेंट होने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में लोकतंत्र की बागडोर है और वो लोग ही अगर उन्हीं सरकारों से निर्वाचित अगर उनका चयन होगा, इसमें एक और आपने CBI की बात की, एक महत्वपूर्ण बात है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कितना बड़ा एक प्रश्न, उस प्रश्न पर बहस क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था कि अपॉइंटमेंट किया जाए, अभी किया जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अपने स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, और आचार संहिता के बाद आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे विषयों पर पिक एंड चूज जो पॉलिसी होती है, और चुनाव आयोग में भी एक जो स्पष्टता और एक जो ताकत की जो कमी है, वो कमी से चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष जो होना है वो लोगों को दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। दोनों विषयों पर आपका क्या कहना है शीतल? क्योंकि आर्टिकल 324 अगर आप देखें तो ठीक है, जिस वक्त बनी थी उस वक्त आशा की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी, आज़ादी की लड़ाई से निकले हमारे नेता थे, कि कोई इतना सब्जेक्टिव होने की कोशिश नहीं करेगा या इतना कानून और संविधान की अवहेलना नहीं करेगा जैसा आजकल बड़े पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं। तो क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसमें अपोजिशन भी इन्वॉल्व हो, जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो, जरूरत हो तो पब्लिक से भी कुछ लोग लिए जाएं, जिससे कि ज्यादा बेहतर ढंग का इलेक्शन कमीशन बने? देखिए, एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको लोग अक्सर आजकल के सत्ताधारी बहुत नाराज रहते हैं, वहां जो इलेक्शन कमीशन बनता है, वहां के छात्र संघ के चुनाव के लिए वहां भी एक इलेक्शन कमीशन बनता है, इसका भी चुनाव वो पूरी जनरल बॉडी तय करती है, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सरकार तय करती है, कहने के लिए है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री की इच्छा, कैबिनेट की इच्छा, सरकार की इच्छा, वही उसमें केवल निहित है। क्या देखते हैं आप इसको? ये तो सारी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे देश में सबको मौका मिला है सत्ता में आने का, लेकिन जो अभी विचार के बदलाव, सबने इस बदलाव की अनदेखी की, जो सबसे पहली जरूरत थी, होना तो हर स्वायत्त शासी संस्था के लिए यही विधि होनी चाहिए कि उसमें व्यापक रिप्रेजेंटेशन सबका हो इस तरह के किसी चुनाव में। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में तो बहुत ही लापरवाही की गई, और इसके लिए अभी जैसे बॉन्ड का ही मामला है, या और जो भी फैसले पर आ रहा हूं, बिल्कुल अंतिम जो फैसले हैं वो सब फैसले सरकार लेती है, ये चुनाव गिड़गिड़ाता है। चाय की गिलास शताब्दी एक्सप्रेस में, उस पर अगर प्राइम मिनिस्टर की फोटो जा रही है, या हवाई जहाज के टिकट या बोर्डिंग कार्ड पे जा रही है, उसको भी एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कराने में इतने सारे बयान देने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप कल्पना नहीं हो पाया, अभी तक उसने जारी रखा हुआ है बोर्डिंग पास। तो ये तो देखिए, ये तो विल पावर उस आदमी की है जो उस जगह पर बैठा है, ये वो कर सकता था, जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इसी कानून के तहत शेषन साहब ने पूरे चुनाव आयोग का मायने बदल दिया। लेकिन शीतल, ये मीडिया इन सवालों को क्यों नहीं उठा रहा है? मीडिया ने तो अपना रोल ही छोड़ दिया, जो हम लोग बहस हमेशा ही करते हैं
कि ये सब सवाल और इस तरह के सारे सवाल वो सरकार की ओर से उठाता है, लेकिन अगर विपक्ष कोई सवाल लाए या उसे खुद ही विपक्ष बन के वो सवाल जनता के लिए पूछना चाहिए, वो काम वो कर ही नहीं। तो पत्रकार क्या मीडिया से डरे हुए हैं या मालिकान डरे हुए हैं? क्या ऊपर से धमकियां आती हैं? क्या ऊपर से क्या है? क्या हम तो ये जानते ही हैं कि अब पूरी तरह से कंट्रोल है। अब तो लोगों की नियुक्ति में कंट्रोल है, कंटेंट पे कंट्रोल है, और विज्ञापन व्यवसाय हर चीज पर कंट्रोल है। ये तो वक्त उस लिहाज से बहुत ही खतरनाक एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने हाँ मैं ही बता रहा था आपको जी, क्या जिसमें एक नया चैनल शुरू हो रहा है और उसके मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और अखबार के मालिकान जब उनसे मिल रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं आते समय, तो वो कह रहे हैं उनसे कि भाई आपने कैसे लोगों को भर लिया है जिनके खून में मेरा विरोध लिखा हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री इस लेवल पे स्क्रूटनी कर रहा और करा रहे हैं पत्रकारों की कि किसके किसके खून में क्या क्या है उनके विरोध या किसके विरोध का है और उसको नौकरी होनी चाहिए कि नहीं होनी, और वो मालिक बड़ी जल्दी कृतार्थ करने को भी तैयार था, हालांकि उन्होंने इस पर नहीं जोर दिया और हंस दिया उस पर, लेकिन इससे लगता है कि रिश्ते क्या हैं, सत्ता और हमारे मीडिया के रिश्ते अब किस लेवल पे पहुंच गए हैं, कितने गलीज हैं। इसका मतलब हमारे रूलिंग जो पार्टी है या रूलिंग एलीट जो है, देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं, उनको एक सुर में गाने वाला मीडिया पसंद है, और एक ही सुर में मीडिया गा रहा है, और ये सुर इतना बेसुरा है कि देश को बर्दाश्त करना पड़ा। बिल्कुल, चलते चलते चूंकि हमारे पास वक्त कम है विराग, और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बाकी है, वो है इलेक्शन बॉन्ड का। चूंकि आप एक कानूनविद हैं, और आप न केवल कानूनविद हैं बल्कि कानून पर आप स्तंभकार भी हैं, आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जो इलेक्शन बॉन्ड को लेकर जो कानूनी पहल हुई सरकार के द्वारा, और आश्चर्यजनक यह है कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टी उस वक्त समझ नहीं पाई, खासकर क्षेत्रीय दल या वे दल जो जिसके विक्टिम आज हैं, वो कानूनी एक शक्ल ले लिया, और आज की स्थिति यह है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 95% से ज़्यादा जो उसका धन आ रहा है इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी, जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है, उसको मिला है। और जाहिर है उस रूलिंग पार्टी ने नोटबंदी का असर हो या इलेक्शन बॉन्ड का फायदा हो, क्योंकि 95% कॉर्पोरेट पैसा आपको आ रहा है, उसने पूरे देश के तमाम जिलों में अपने मुख्यालयों को आलीशान बना रखा है। आप दिल्ली की बात छोड़िए, आप गाजियाबाद से लेकर के और गाजीपुर तक जाइए, हर जगह आपको आलीशान बिल्डिंग मिल रही है, नेटवर्क मिल रहा है। इसके तीन चरण हैं। पहले नंबर पर जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात आई थी, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक नाव में सवार हो गए, और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। तो हमारे सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं इस संस्थागत पतन के लिए। दूसरे नंबर पर नोटबंदी जब आई, नोटबंदी भी राजनीतिक कारणों से जब उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले लागू हुई, और अब जो बॉन्ड का मसला आया है, सवाल इस बात का है कि इन सारे मसलों पे हम मीडिया के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं उनसे भी हम उस तरीके का संस्थागत विरोध नहीं देखते हैं जिससे कि इसमें व्यापक चुनावी सुधारों की बात हो। जब आप हम बात करते हैं तो जो घोषणा पत्र है, उन घोषणा पत्रों में अगर लोग अपने मुद्दे की बात बोलें, जैसे आपने बोला कि चुनाव आयोग का जो चयन है, उस चयन के बारे में कितने पार्टियां जो बोलती हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम इस तरीके का बदलाव करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सरकार और जो चुनाव हैं उनको आपस में मिला दिया गया है, और उसमें विपक्ष जो है वो कहीं से उसकी भूमिका नहीं है, और मीडिया तो मौन है ही है, जो पूरी समस्या का कारण है। शीतल, कई बार तो अगर हम जैसे लोग सवाल भी उठा देते हैं तो एंकर ही कहने लगता है कि अरे आप संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, भारत के संविधान में कहां लिखा है कि आप संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे, या अगर कोई कमी है तो उसके सुधार की आवाज नहीं बुलंद करेंगे? तो लोग संविधान न जानते हैं, न संवैधानिकता जानते हैं। देखिए, धीरे धीरे इन चीजों को ग्राह्य बना ले रहे हैं। जैसे अब सेना पर आप सवाल नहीं, आपका क्या कहना है? हाँ, बॉन्ड के बारे में ये कहना है जो आपने सही कहा, ये भी यही कि चुनाव आयोग इन चीजों का फैसला करता है, लेकिन हमारे यहाँ सरकारें ही फैसला करती हैं कि चुनाव कैसे हम संचालित करेंगे, चुनाव में पैसा कैसे आएगा। तो उन्होंने 17 में ये एक हमारे यहाँ बजट के समय वो लेके आए इस स्कीम को, और उन्होंने पास कर लिया, बहुमत है उनका, तो कोई इशू नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि पहले साल करीब 222 करोड़ आया, इसमें से 210 करोड़ बीजेपी के पास गया, और अक्टूबर तक का इस साल का आंकड़ा है कि करीब 600 करोड़ इसमें आया है, और इसमें भी 570 करोड़ बीजेपी के पास गया है। बाकी में पूरे देश के सारे दल हैं, और राष्ट्रीय दल भी हैं, और राज्य के भी दल हैं। तो ये लगता है कि पूरी की पूरी स्कीम इस तरह से बनाई गई है कि ये जो देश की सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए चंदा आने का एक सीधा रास्ता।
तो इस पर कुछ इसका चैलेंज हुआ, सीपीएम ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जी जी, इस पर कई संस्थाएं संसद में जो बोल सकते हैं, चूंकि इनकी संख्या कम है, जो बोल चुनाव में अच्छा शपथ पत्र दिया है। इसमें जो चुनाव आयोग का शपथ पत्र है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने उसको देखा, वो काफी बहुत से प्रावधानों का आर्गुमेंट कर रहा है और वो काले धन को समझ रहा है कि इसके जरिए काला धन आएगा, उन चीजों को उसने रेजिस्ट किया। लेकिन विराग, क्या जो इलेक्शन कमीशन का जो हलफनामा दायर हुआ है और अगली सुनवाई अभी बाकी है, अभी संभवतः 25 या ऐसे आसपास कभी होनी है अप्रैल में या उसके पहले, तो क्या आपको लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से जो पहल संभावित है, जो भी हो, क्या वही अंतिम वो अस्त्र है या इस बारे में इलेक्शन कमीशन भी कुछ कर सकता है? तो जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें पारदर्शिता लाने के साथ साथ जो अगर सार्वजनिक जो उपक्रम है पीएसयू से भी अगर चंदा लिया जा सकता है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है और इसमें चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी तुरंत निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्हीं टिप्पणियों के साथ आज की हम चर्चा का समापन कर सकते हैं। और ये सवाल चूंकि मीडिया में नहीं उठ रहा है, सिविल सोसाइटी में आम नागरिक जन जो हैं, मैं समझता हूं कि हर जगह ये सवाल उठना चाहिए कि भारत में अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है, जीवंत बनाना है, तो हमें चुनाव की जो प्रक्रिया मौजूदा है उसमें पारदर्शिता लानी होगी। हम कह तो देते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ एक ही पार्टी को सारे कॉरपोरेट चंदा दे रहे हैं, जहाँ बॉन्ड एक कानूनी प्रावधान किया गया है कि इलेक्शन बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं, लेकिन वो सारा का सारा धन एक पार्टी को जा रहा है, कमाल की बात है, और कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं है। निर्वाचन आयोग की समस्या यह है कि उसने कोड ऑफ कंडक्ट स्वयं बनाए हैं, उसका रोज उल्लंघन हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात छोड़िए, जो देश को चलाने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी, सर्वाधिक उल्लंघन वो कर रही है, खासकर कम्युनल इश्यूज पर, कास्ट के इशू पे, रीजनल जो एक क्षेत्रीय जो असहिष्णुता जैसे मुद्दे हैं, भाषाई से लेकर के और तमाम तरह के निजी कटाक्ष, निजी हमले, इन तमाम विषयों पर जो पहलू उभर कर आए हैं सामने, मैं समझता हूं कि भारतीय जनतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के सामने गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और वही इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए है, जिसका एक बार बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था 1999 में, जब एक बड़े महाबली नेता को बाकायदा बार कर उनको हटा दिया गया था चुनाव की प्रक्रिया से, कि वो वोट भी नहीं दे सकते हैं, वो खड़ा होने की बात तो दूर रही, वोट नहीं दे सकते। लेकिन आज चुनाव आयोग स्वयं खामोश है, उसके पास ऐसा लगता है जैसा कि शीतल सिंह ने कहा कि सब कुछ है, लेकिन जो एक दृढ़ता होनी चाहिए लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र को बेहतर बनाने की, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये सवाल मुझे लगता है कि आज शिद्दत के साथ उठाए जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।